हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो विकास एक्सोटिक्स। आपके सामने जो बड़े से सनकनूर बोलते हैं दोस्तों, ये ग्रीन एंड येलो कलर में आते हैं और ये मेरे पास सारे मेरे बर्ड फुल्ली टेम है। आपको आज दिखाने वाला हूँ सारे मेरे बर्ड्स। ये बर्ड का कलर जैसे ही सनकनूर का जैसे अडल्ट होते हैं वैसे विंग्स ग्रीन से येल्लो होते जाते हैं। और ये बर्ड सिर्फ 3 महीने का है और ये आप देख रहे हो आपके सामने टेम कितना ही प्यारा लगता है। ये बर्ड फुल्ली मस्ती करते हैं, खेलते हैं साथ में, यहाँ वहाँ से उड़ उड़ के सर पे आते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं बर्ड। ये मेरा हाइपर पाइनएप्पल है दोस्तों, ये टेम है, बहुत ही प्यारा है। इसकी एक और वीडियो मैंने पहले डाली हुई यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसपे। ये अभी मेरे पास ब्लू येलो शेडेड कलूर है। ये बहुत ही कडली बर्ड होते हैं और बहुत ही शरारती होते हैं और फुल्ली टेम है। इसके मेरे पास अभी 3-4 पीस है, सभी के सभी टेम मस्त एकदम प्यारे हैं। और ये सॉरी दोस्तों वीडियो के लिए, वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाया है। आप उसकी मेरी यूट्यूब पे पुरानी वीडियोज में आप देख सकते हो उसका कलर, अगर आपको कलर इसका देखना है तो। अभी दोस्तों मेरे पास ब्लू सीरीज में ब्लू पाइनएप्पल है, इसको ब्लू पाइनएप्पल बोलते हैं। ये भी बहुत, ये कनूर्स में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, सबका अलग अलग होता है। और ये भी ब्लू पाइनएप्पल भी फुल्ली टेम है। ब्लू आईएससी और ब्लू ग्रीन चीक, ब्लू येलो साइडेड, ब्लू पाइनएप्पल, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा कलर डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल है। जैसे रेड फैक्टर होता है, हाइपर रेड फैक्टर होता है, वैसे ही डबल रेड फैक्टर है। डबल रेड फैक्टर में चेस्ट पे और बैली पे पूरा होता है, रेड फैक्टर में सिर्फ बैली पे होता है, हाइपर में बीच से लेके चेस्ट तक पूरा होता है। और आप देख रहे हैं इसका कलर मैंने आपको दिखाया, ये पूरा डबल रेड फैक्टर है, चेस्ट पे भी इसके कलर है, इसको बोलते हैं डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल। अभी ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया रेड फैक्टर पाइनएप्पल के बैली पे रेड होता है। देखिए रेड फैक्टर पाइनएप्पल इसके बैली पे रेड है, इसको बोलते हैं रेड फैक्टर पाइनएप्पल। ये भी फुल्ली टेम है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।